नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज बड़ी खबर निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल सीपीईसी पे सरेंडर हुआ पाकिस्तान और चाइना। कहा सीपीईसी भारत के खिलाफ नहीं है, बार बार आखिर क्यों सफाई दे रहे हैं पाकिस्तान और चाइना। दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही, भारत के लिए अमेरिकी वैक्सीन लेना फिलहाल मुश्किल, विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा ऐलान अमेरिका में पहुंचकर। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, फिलहाल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक क्या वाकई में आज से होंगे बंद या फिर सरकार के नियमों का ये पालन करेंगे ट्विटर। इस बीच अगली अपडेट में आपको बताएंगे। बड़ी खबर निकल के आ रही, सुप्रीम कोर्ट ने ममता बनर्जी को लगाई करारी फटकार, पलायन को लेकर मांगा जवाब। कहा आखिर बड़े पैमाने पर पश्चिम बंगाल में पलायन के हो रहे हैं। और इस बीच ईएससी ने सीबीआई को पूरी छूट दी, कहा ममता के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करें कानून की अनदेखी पर। बड़ी खबर इसके बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों एक एक करके खबरें विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब देगा और देश ने कोविड-19 से भी लड़ने में सफल होगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज के। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, फिलहाल सीपीईसी पर सरेंडर हुआ चाइना और पाकिस्तान, कहा यह भारत के खिलाफ नहीं है। लद्दाख में पिछले साल से जारी तनाव के बीच चीन ने एक बार फिर सीपीईसी को लेकर सफाई देनी शुरू कर दी है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपीईसी भारत को निशाना बनाए जाने के लिए नहीं है। दरअसल चीन इस परियोजना का विस्तार अब अफगानिस्तान तक करने की योजना पर काम कर रहा है, इसे लेकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के साथ बातचीत भी जारी है। दरअसल सोमवार को चीनी विदेश मंत्रालय ने सीपीईसी के भारतीय इलाकों से गुजरने को लेकर पूछे गए सवालों के जवाब में कहा है कि सीपीईसी आर्थिक सहयोग को बढ़ाने के लिए की गई पहल है और यह किसी भी तीसरे पक्ष को निशाना बनाने के लिए नहीं है। चीन ने सीधे सीधे इसे भारत के क्षेत्रीय संप्रभुता के खिलाफ बताया है। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आपको बता दें कि लगातार चीन और पाकिस्तान सफाई दे रहे हैं कि सीपीईसी फिलहाल ये भारत के खिलाफ नहीं है, इसके कई सामरिक महत्व निकाले जा रहे हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल नेपाल के बाद चीन ने भूटान में 8 किलोमीटर भीतर बसा दिया कस्बा, सेना और पुलिस को किया गया तैनात। बड़ी अपडेट, अब भूटान भी चीन के सामने नतमस्तक। दरअसल चीन की दादागिरी लगातार बढ़ती जा रही है, चीन अपने किसी पड़ोसी की जमीन हथियाने से बाज नहीं आ रहा है। नेपाल के साथ भूटान की जमीन पर भी वो वर्षों से धीरे धीरे कब्जा कर रहा है। भूटान के भीतर उसने एक कस्बा भी बना लिया है और ये बात सीमावर्ती इलाकों के ताज़ा सर्वे में सामने आई है। ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट news.com.nb के मुताबिक भूटान की सीमा के 8 किलोमीटर भीतर घुसकर चीन ने वहाँ एक पूरा कस्बा बसा लिया है और इस कस्बे में सड़कें, बिजली घर, कम्युनिस्ट पार्टी की 2 इमारतें, 1 संवाद केंद्र और सेना व पुलिस की चौकियाँ भी हैं। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली खबर लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आज से क्या वाकई में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक होने जा रहे हैं बंद। दरअसल आपको बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। केंद्र सरकार ने देश में काम कर रही सभी सोशल मीडिया कंपनियों को कुछ नियमों का पालन करने के निर्देश जारी कर दिए हैं, जो आज 26 मई को पूरा हो रहा है। नए नियम बनाए गए थे लेकिन अभी तक किसी भी कंपनी ने नियमों का पालन नहीं किया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या 26 मई के बाद यानी आज के बाद भारत में फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया कंपनियाँ बंद हो जाएंगी। तो सवाल ये है कि फिलहाल फेसबुक ने आधिकारिक तरीके से बयान जारी करके कहा है कि फिलहाल हम सरकार के रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करने के लिए तैयार हैं, यानी उन्हें मानेंगे और उसी कदम पर चलेंगे भी, जो कि एक बड़ी खबर है और ये कहीं ना कहीं अपने आप में सरकार के लिए काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है। ट्विटर और इंस्टाग्राम यानी अगर फेसबुक राज्य है तो इंस्टाग्राम, क्योंकि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप सब उसी का है। ट्विटर भी, अब रही बात लेफ्टिस्ट ट्विटर की, तो लेफ्टिस्ट ट्विटर अगर नहीं मानेगा तो भारत में कू ऐप आ गया और ट्विटर पर मोदी सरकार 1 मिनट भी नहीं लगाएगी बैन करने में। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों सीबीआई के नए डायरेक्टर सुवेद कुमार जायसवाल बने सीबीआई के नए निदेशक, पीएम की अध्यक्षता में लगाई गई मुहर। जी हाँ, दरअसल सीआईएसएफ के महानिदेशक सुबोध कुमार जायसवाल केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई के नए प्रमुख बनाए गए हैं। नए प्रमुख के लिए सोमवार को जिन 3 नामों के पैनल तैयार किए गए हैं उनमें सबसे वरिष्ठ होने के कारण महाराष्ट्र कैडर के जायसवाल सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से उन्हें सीबीआई निदेशक बनाए जाने की अधिसूचना मंगलवार रात जारी कर दी गई है। सीबीआई निदेशक का कार्यकाल 2 साल के
लिए तय हैं। बीते फरवरी महीने में आर के शुक्ला के रिटायर्ड होने के बाद देश की शीर्ष जांच एजेंसी के प्रमुख पद पर रिक्त चल रहा था और अब सीबीआई के नए निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल को बना दिया गया है। हम चलते हैं अगले अपडेट। सुप्रीम कोर्ट की अहम टिप्पणी, कानून की अनदेखी पर सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई के लिए सीबीआई पूरी तरीके से स्वतंत्र है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कड़ी फटकार। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा समर्थकों के साथ सीबीआई दफ्तर पर धरना देने की अभूतपूर्व घटना का हवाला देते टीएमसी नेताओं की हाउस अरेस्ट का विरोध कर रही सीबीआई से मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो कानून तोड़ने पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो या कोई मुख्यमंत्री हो या कोई कानून मंत्री पर कार्रवाई तत्काल करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उनके कृत्यों का खामियाजा अभियुक्त नहीं भुगत सकते हैं। कोर्ट ने कहा है कि नेताओं के धरने आदि का सहारा नहीं सराहा नहीं जा सकता है। न ही कोर्ट मुख्यमंत्री और कानून मंत्री के कृत्यों का समर्थन करता है। अभियुक्तों की जमानत और नेताओं के कृत्य दोनों अलग अलग मामले हैं, उन्हें मिलाकर नहीं देखा जा सकता है। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है, जाहिर सी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से सीबीआई के हाथ और खोल दिए हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के 45 प्लस के सभी लोगों को लग गई कोरोना वैक्सीन। समझिए इस बात को, जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन हो रहा है। क्या मोदी सरकार ने या फिर कंपनियां वहां पर किसी तरीके से भेदभाव की? नहीं की। जम्मू कश्मीर मुस्लिम बाहुल इलाके, उसके बावजूद भी वहां पर बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन हो रहा है। क्या आप जम्मू कश्मीर की जनता इस बात को सोचेगी? जम्मू कश्मीर के लोग क्या इस बात को सोचेंगे कि अगर वही जम्मू कश्मीर आज पाकिस्तान में होता तो क्या वहाँ वैक्सीनेशन लगवा पाते? जितनी सुविधाएं भारत सरकार जम्मू कश्मीर को दे रही है, उतनी उसकी 20% सुविधा, 10% सुविधा भी पाकिस्तान नहीं दे पाएगा। लेकिन आज जिस तरीके से वहाँ पर पाकिस्तानी झंडे घुमाए जाते हैं, वो सब केवल और केवल भारत के टैक्स पेयरों का ही पैसा खा करके इस तरीके से पाकिस्तान का झंडा लहरा रहे हैं जिहादी। हम चलते हैं अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, ममता बनर्जी हिंसा के पलायन पर सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, केंद्र और राज्य सरकार से मांगा जवाब। उच्चतम न्यायालय ने बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा की वजह से राज्य के लोगों से कथित पलायन को कोरोना के अनुरोध वाली याचिका पर मंगलवार को केंद्र और बंगाल सरकार से जवाब मांगा है। इस याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा प्रायोजित हिंसा के कारण राज्य में लोगों का कथित पलायन रोकने के लिए निर्देश दिए जाएँ और इसकी जाँच के लिए विशेष जाँच दल का गठन किया जाए और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। न्यायमूर्ति विनीत शरण और न्यायमूर्ति वी आर गवई की अवकाश पीठ ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग को इस मामले में पक्षकार बनाने के भी निर्देश दे दिए हैं। इससे पहले याचिकाकर्ताओं ने कहा है कि फिलहाल NHRC तथा NCW ने बंगाल में लोगों को स्थिति का जायजा लिया है। तो ये दोस्तों, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि ममता बनर्जी की सुप्रीम कोर्ट ऐसी की तैसी कर चुका है और ममता बनर्जी के खिलाफ बस राष्ट्रपति शासन नहीं लग रहे हैं, बाकी सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से लथाड़ लगा रहा है, ममता बनर्जी को सर माननी चाहिए। जिस तरीके से हिंदुओं की हत्याएं करवाई जा रही हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, चीन की इसी संस्थान से कोविड-19 के प्रसार की लगातार जताई जा रही है आशंका। जी हां, दरअसल पिछले लगभग 1.25 साल से जिस भयंकर महामारी से विश्व और मानवता गुजर रही है, उसके प्रारंभ की जानकारी लेने का अधिकार सबको है। हालांकि इस बात की कोरोना वायरस वुहान चीन के एक प्रयोगशाला से तैयार किया गया है, वो जानबूझकर या दुर्व्यवहार दुर्घटनावश प्रयोगशाला के बाहर आ गया था। लगभग महामारी की शुरुआत से ही चर्चा में, मार्च 2020 से ही चर्चा में है। लगभग उसी समय अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी बार बार चाइनीज वायरस शब्द दोहरा रहे थे। तो यह हालत है दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप भी इस वायरस को चीनी वायरस मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। हम चलते हैं अपडेट। पाकिस्तान में एक सप्ताह में 23% बढ़ गए कोरोना मरीज, चीन की जो वैक्सीन लगवाई थी उससे भी फैल रहा है कोरोना। जी हां, पाकिस्तान में एक बार फिर कंगालिस्तान की ऐसी तैसी वो पड़ी है। दरअसल आपको बता दें कि आतंकिस्तान पाकिस्तान अब एक बार फिर से रो रहा है और जितनी चीन की उसने वैक्सीन लगवाई थी अब वो उल्टा पड़ रही है और वो बड़े पैमाने पर कोविड-19 प्रसार का कारण बन गया है। और आपको बता दें कि वैक्सीन की दर इतनी कम है कि वहाँ पर वैक्सीन ही नहीं है। तो ये हालत हो चुके हैं इनके। तो दोस्तों, फिलहाल हम चलते हैं अगले अपडेट। पाकिस्तान से ही निकल के आ रही है एक और खबर, जहाँ पर आपको बता दें कि पाकिस्तान की घटिया हरकत, गैर मुस्लिमों के लिए निकाली स्वीपर और चपरासी की वैकेंसी, भड़क गए हैं हिंदू।
पाकिस्तान में इन दिनों रोजगार से जुड़े एक विज्ञापन को लेकर बवाल मचा हुआ है। हंगामा नौकरी देने में भेदभाव से जुड़े विज्ञापन को लेकर खड़ा हुआ है। दक्षिणी कराची के स्वास्थ्य विभाग ने SGD स्पेशल लेप्रोसी क्लिनिकल में सफाई कर्मियों के 5 रिक्त पदों की वैकेंसी निकाली गई थी और यह रिक्त सिर्फ गैर मुस्लिम उम्मीदवारों के लिए थी, जिस पर हिंदुओं और ईसाइयों के साथ भेदभाव को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पाकिस्तान के स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस में लिखा है कि यह वैकेंसी गैर मुस्लिमों यानी हिंदुओं और ईसाइयों उम्मीदवारों के लिए है। तो दोस्तों, फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूले। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।